हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शक्ति एंड नीरज ब्लॉग्स पे। तो भाई देखिए, दिल्ली में ये देखिए, ये मेरा भाई है। लिया है जलेबी। तो भाई ब्रेड और समोसे आ गए हैं। जिसको भूल गए जल्दी से आ जाओ, ब्रेड और समोसे का आनंद उठाते हैं। ये भाई देखो भाई, जलेबी गरम गरम है, पकौड़े भी एकदम गरम गरम नरम नरम, और एक करारे करारे समोसे हमारे, और ये नानी जी खाते हुए। दिखा रहा साफ से, मैं एक बार दिखा दो कैमरे में। मैं देखी नहीं रही, रुक जा, ले ना, दिखी नहीं रहा कुछ। यहाँ सही था, सही रखा था। दिख गया, दिख गया, दिख गया। ऊपर कर रखे गई, मैं नीचे नहीं आया, ये मैं ऊपर रखे गई। और दो रोटी बदली, मैं कहा उस टूक में ना आवे, ये बस फंस गया। तो फोड़ दिए इसमें, दो कप फोड़ दिए रात को। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर? चंचलानी की जो घर की माँ है, वो अपने बच्चों को कपड़े देती नहीं है। तो भाई आज मॉर्निंग में मैं बनाने वाली हूँ बच्चों का फेवरेट नाश्ता, बना रही हूँ भाई। आज बनाऊंगी मैं गोभी के पराठे। तो भाई नहाने धोने के बाद देखिए, सारे बच्चे नहा लिए हैं और अब मैं बना रही हूँ गोभी के गर्मा गर्म क्रिस्पी करारे पराठे। इसके अंदर मैंने गोभी कसने के बाद हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, मिर्च स्वाद अनुसार डाल लिया था, और अब मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे नरमा नरम गर्म गर्म। तो भाई सब खाने लग रहे हैं, साथ में ताज़ी दही ले ली है और थोड़ा सा मक्खन इनके ऊपर रख के इन बच्चों को दे दूँगी, और ये करने लग रहे हैं सारे, और मैं गरम गरम इन्हें दे रही हूँ। और सर्दियों में गरम गरम खाने का स्वाद ही अलग होता है। और ये देखिए, अभी का नहाने के बाद बोल कुछ है, अपनी एक रील बना रही थी। तो वही देखिए मेरी बेटी कैसी लग रही है, इसका रील कैसा लगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शक्ति एंड नीरज ब्लॉग्स पे। तो वही देखिए, दिल्ली में ये देखिए, ये मेरा भाई है, और इधर देखिए ये मामा जी ने सरप्राइज दिया है अचानक। और वही देखिए अपनी मामी जी से, ये मेरी मामी है, इन्होंने सरप्राइज दिया है। ये सकरात का सीधा बोलते हैं ना, तो वो लेके आए हैं। इधर भाई हलवा बन रहा है, यहाँ पे छोले बन रहे हैं। जो जो बनाया है दिखाता तू। छोले बहुत टेस्टी बने हैं, जो चीज जल्दीबाजी में बनाते हैं ना। तो भाई अभी ना सबने खाना खा लिया था, और भाई हो गई थी मामी जी की, मामा जी की चलने की तैयारी। तो भाई एक लास्ट में हम वो ले रहे थे, ग्रुप फोटो ले रहे थे। तो भाई ये यादें कैप्चर करनी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हम आगे जाके इनको देखेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और ये मेमोरीज होनी भी चाहिए। तो भाई देखिए, फैमिली का प्यार है, और भाई बहुत ही अच्छा लगा, मामी जी ने हमें सरप्राइज़ दिया, और कल मुझे जाना भी था, तो भाई ये तो और डबल सरप्राइज़ हो गया। तो मामी जी भी बहुत खुश हुई थी कि अच्छा हम पहले ही आ गए, और मेरी भी पैकिंग आज शुरू हो जाएगी, और कल मैं फिर जाऊंगी ससुराल जाने की तैयारी भी शुरू करनी है, और भाई पैकिंग करूंगी। और अभी देखिए मामी जी की हो चुकी है चलने की तैयारी,
और देखिए हम नीचे आ गए हैं, गाड़ी भी खड़ी है नीचे। और भाई अब ये मामी जी मेरी जा रही हैं, तो भाई इन्हें करते हैं बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब कीजिए अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो। और भाई देखिए उनके जाने के बाद जो मैंने छोले पूरी तो छोले रोटी और रायता और हलवा तो जब बनाया था भाई, और फिर बाद में हमने बच्चों की जिद थी कि मम्मी छोले बने हैं तो चावल भी बनाए जाए, तो भाई मैंने चावल में भी सीटी लगवा दी फटाफट से। और आइए जिस चीज़ को भूख लगी है फटाफट। और ये देखिए ये सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था जो मामी जी लेके आई थी कि सकरात का सीधा होता है, तो भाई तो ये उस वो पता भी होगा लोगों को भाई सकरात के सीधे पर भाई बेटी के घर सामान जाता है, तो भाई ये सीधा लेके आए थे। तो भाई ये सामान रखा था तो मैं इसे एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ, मम्मी अपना आप रख लेंगी जहाँ रखना होगा मम्मी को। तो भाई अब ये देखिए अब ये संगवाने के बाद मैं करती हूँ अपनी पैकिंग। और भाई अब देखिए मेरी भी चलने की तैयारी हो चुकी है, तो भाई एक हफ्ता मैं रुकी थी, तो भाई इसके बाद देखिए ईशू हमें छोड़ के आ रहा है मेरा बेटा। और ये देखिए यहाँ लड्डू खड़ा हुआ है, बैग लेके खड़ा हुआ है। तो भाई और यहाँ पर मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। और भाई आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो भाई अब चलते हैं भाई, और आपसे मिलूंगी ससुराल में। अब के व्लॉग्स जो अब इसके नेक्स्ट व्लॉग जो आएंगे वो ससुराल से बनाऊंगी। तो भाई अब आज के लिए इतना ही, और भाई अब आपसे मिलते हैं ससुराल में ऑन द वे। रास्ते में हमें वहाँ मिलेंगे, ड्रॉप करेंगे हमें। और यहाँ पापा जी देखिए ये होता है, शुभ होता है बेटी को मम्मी पापा जो होते हैं ना मान कर ही जाती है। तो भाई आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, अगर आपके यहाँ जैसे होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ। तो यहाँ पापा जी मान कर रहे हैं और यहाँ अविका को भी दे रहे हैं, मैंने कह रही थी पापा जी ने इसी में हो गया है। देखिए अविका ने ले ली अपनी मान और ईशू हमें मेट्रो पे ड्रॉप करने जा रहा है। अब चलते हैं और भाई रास्ते में इसके पापा जी हमें मिलेंगे। तो भाई अब आज के लिए इतना ही दिखाती हूँ, और आगे मिलूँगी अभी आपको जब वो अविका के पापा हमें मिल जाएंगे। तो भाई बने रहिए शक्ति नीरज ब्लॉग्स पे। का मन तो नहीं करता लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। और अब देखिए अब इसके पापा जी हमें मिल चुके हैं, हम बैठे हैं गाड़ी में और इंजॉय की जा रही है गर्मा गर्म खरारी खस्ता एकदम डिलीशियस गर्मा गर्म टिक्की। भाई सर्दियों में गर्मा गर्म टिक्की खाने का मज़ा ही अलग है, और गाड़ी में बैठ के खाने का तो और ही अलग मज़ा है। आप भी इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म टिक्की, हम करते हैं अपनी टिक्की इंजॉय और भाई खाते खाते चलते हैं, इंजॉय करते हैं। और विंटर वेकेशंस आपकी कैसी रही? मेरी तो बहुत ही अच्छी रही विंटर वेकेशंस। और भाई अब चलते हैं और फटाफट से, एक घंटे का रास्ता है, और आपसे मिलती हूँ घर पे। और ये देखिए मेरी बेटी इंजॉय कर रही है टिक्की को। और भाई आज का व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।